एनएस के स्कूली बच्चे गणित और अंग्रेजी के शिक्षक के लिए पहुंचे कलेक्टर के पास बैतूल। मामला मुल्ताई के अंतर्गत आने वाले एनएस गांव का है, जहां पर पिछले 4 वर्षों से गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। 2 साल तो कोरोना ने खत्म कर दिए, वहीं बच्चों का अब भविष्य अंधकार हो गया है। पिछले साल 10वीं का रिजल्ट बिगड़ गया, इस साल के छात्र चाहते हैं कि उनका रिजल्ट नहीं बिगड़े, जिसको लेकर वे बैतूल मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन्हें गणित और अंग्रेजी का शिक्षक शीघ्र प्रदाय किया जाए। शिक्षक अपने शिक्षकों को लेकर छात्र बेहद परेशान है, क्योंकि उनका भविष्य अंधकार हो जाएगा। 10वीं के बाद करियर बनाने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। ऐसी परिस्थिति में एनएस के छात्र, जो कि 90 से 100 के बीच में है, उनके पालकों के साथ आज पहुंचे और कलेक्टर से मांग की है कि शीघ्र से शीघ्र उनके विद्यालय में गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों की पदस्थापना की जाए। वही कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया है। एनएस से आए हैं, हमारी समस्या ये है कि पिछले 4 वर्षों से गणित और इंग्लिश के टीचर पर्याप्त नहीं है हाई स्कूल में तहसील मुल्ताई, और इस समस्या से क्या है हमारा फ्यूचर बाद का कैसा होगा, इसलिए हम बैतूल कलेक्टर ऑफिस आए हैं। तो कलेक्टर ने हमें सहयोग दिया है कि बोला है कि कुछ दिनों में आपका कार्य हो जाएगा। समस्या पिछले 4 सालों से स्कूल है, ग्राम एनएस हाई स्कूल के है सर, पूरे 6 शिक्षक होना चाहिए, तो उसमें से 4 ही शिक्षक है सर, और 2 शिक्षक पर्याप्त नहीं है इंग्लिश और गणित के। कितने बच्चे होंगे लगभग? लगभग 50 बच्चे, 50-60 बच्चे होंगे सर। सर बात करते हैं सर, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता सर। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सर हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर ये हो पाए तो हमारा जल्द सुधर जाए, और बस।